हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रीना। आज की वीडियो होने वाली है कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। एंड इस वीडियो में हमने दिखाया है कि मैंने मेरे घर पे किस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया है, क्या क्या तैयारियां की है। बट अगर आपको तैयारियां में कुछ भी कमी दिखे, कुछ भी ऊपर नीचे लगे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम से हम ये गलतियां ना कर पाए और कुछ सीख भी पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है वुडन झूला कृष्ण भगवान के लिए, एंड इसे हम लोग वेलवेट के पेपर से कवर करने वाले हैं। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे इजीली मिल जाएगा, एंड इसका नाम ही वेलवेट पेपर है। तो चलिए पहले पूरा झूला को फटाफट से कवर कर लेते हैं। तो इसे लगाने के बाद झूले के डेकोरेशन के लिए हम लोग मार्केट से लेकर आए थे ये कपड़ों पे लगाने वाला लेस। एंड इसे लगाने के बाद सच में झूला और भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर हमने सोचा यहाँ भी लगा देते हैं, बट यहाँ पे लगाने के बाद अच्छा नहीं लग रहा था, काफ़ी भरा भरा सा लग रहा था, तो हमने वहाँ पर नहीं लगाया और दूसरे जगहों पर लगाया। एंड सचमुच बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पूरा कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ काफ़ी हद तक हमारे झूले का डेकोरेशन का काम हो गया था। अब हमें बनाना था झूले को झुलाने के लिए डोरी। एंड पहले से ही हमारे घर पे कुछ लेस थे, तो उसके ही हमने मोतियाँ निकाल ली, एंड इसके ही बनाएंगे हम डोरी। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। उससे पहले थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेते हैं बैकग्राउंड का। एंड ये हम लोग मार्केट से लेकर आए थे आर्टिफिशियल फ्लावर, तो फटाफट से पहले ही थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा डेकोरेशन हो गया है, एंड हमने झूले को भी लगा दिया है। ये वही डोरी है जो हमने बनाई थी। फिर हमने सोचा थोड़ा लाइट्स लगा देते हैं, पर अच्छा नहीं लग रहा था तो हमने निकाल दिया। तो ये हमारा पूरा तैयारियाँ हो चुका है पूजा का। कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं पूजा करने के लिए। इस बार हमारे घर पे काफ़ी पवित्र जगह से आए हैं कृष्ण भगवान, तो इस बार इनकी ही स्थापना होगी और इनकी ही पूजा होगी। सबसे पहले हम लोगों ने इनका अभिषेक किया, जिसमें सबसे पहले था हल्दी अभिषेक, फिर दही से, उसके बाद दूध से, फिर गंगा जल से। आप लोग देखो हमने कैसे किया। अब हमने उनका आसन भी लगा दिया और अब हम लोग कृष्ण भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार में काफ़ी कुछ था और ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग किसी छोटे बच्चे को तैयार कर रहे हैं, वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। Thank you.
हमारी कृष्ण जी की स्थापना भी हो गई है और अब हम लोग पूजा कर रहे हैं, तो पूजा के बाद मिलते हैं। तो घर पे पूजा हो गई है और मैं यहाँ रेडी हो रही थी मंदिर जाने के लिए। हम लोग हर साल जाते हैं तो मैं यहाँ रेडी हो ही गई थी, बस दुपट्टा लेना बाकी था तो मैंने वो भी ले लिया। एंड यहाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ अब जाने के लिए, तो चलते हैं। हम पहुँच गए हैं मंदिर में एंड ये मेरी बहन है। मंदिर में काफ़ी भीड़ था पर कोई बात नहीं, हमारा काफ़ी अच्छे से दर्शन हो जाता है और काफ़ी अच्छे से पूजा भी हो जाती है। तो पूजा करने के बाद हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज बारिश होने लगी थी। हमारे बस कृष्ण जी का ही दर्शन यहाँ हुआ था और मंदिर बहुत बड़ा है, बहुत सारे भगवान हैं, तो हम लोग आए हैं तो सभी के ही दर्शन करके जाएंगे। तो थोड़ा देर वेट करने के बाद बारिश रुक जाती है तो फिर हम लोग सारे भगवान के काफ़ी अच्छे से दर्शन कर लेते हैं, फिर हम लोग वापस जाने लगते हैं। बट हमें केक लेना था तो रास्ते में ये केक शॉप था तो हमने यहाँ से केक लिया। इनमें से कोई एक सा केक था जो मैं आपको घर पे जाके दिखाऊंगी। तो हम लोग ये वाला केक लेकर आए थे और ये केक इन कृष्ण भगवान के लिए था। ये मेरी दीदी का बेटा है और आज तो साक्षात कृष्ण भगवान का रूप लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा क्यूट। जब हम लोगों ने इसे केक दिया तो वो बिल्कुल केक की तरफ देख भी नहीं रहा था। हम लोग बार बार बोल रहे थे बाबू ये देखो केक, ये देखो केक, पर वो तो देख भी नहीं रहा था। फिर पता नहीं कब अचानक उसने अपने हाथों में केक ले लिया, हमें तो पता भी नहीं चला। और ऐसा लग रहा था जैसे खुद कृष्ण भगवान अपने जन्मदिन पर केक कटिंग कर रहे हो। देन रात के 12 बजे हम लोगों ने फिर से कृष्ण भगवान की पूजा की, उनको भोग लगाया क्योंकि इनका जन्म रात के 12 बजे ही हुआ था। और हमने भोग में लगाया था पंजीरी, मखाने, ड्राई फ्रूट्स, कुछ मिठाइयाँ, सिंघाड़े के आटा का हलवा, चॉकलेट, माखन, तो यही सब कुछ हमने भोग लगाया। फिर हमने आरती की, पूरी एरिया के ही इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, शायद बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था इसलिए। तो हम लोगों ने फ़ोन का टॉर्च से पूरा आरती किया और फिर हमने भगवान को झूला झुलाया। और मेरी दीदी ने निर्जला उपवास किया था और उपवास खोलने के लिए भगवान को जो भोग लगाया गया होता है वही खा के प्रसाद के रूप में उपवास खोला जाता है, तो उन्होंने वो किया। यहाँ मैं आप लोगों को भगवान का थोड़ा क्लोजअप से दर्शन करवा रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से दर्शन कर पाओ। और वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ पिक्चर भी ऐड की है तो आप लोग वो भी देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि सब कुछ कैसा रहा। तो मैं मिलूँगी अब आपसे दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।